सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये शैडो अमाउंट जब मार्क होता है कि आपके अकाउंट में आता है या नहीं आता, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो क्या प्रोसेस करें, कौन से फॉर्म है, और कितने लोगों को तो आज तक ये भी नहीं पता कि SOP फॉर्म होता क्या है, कहाँ से भरना है, कैसे फिल आउट करना, तो सब कुछ बताएंगे। और पैसे वापस आएंगे या नहीं, कौन कहता है पैसे वापस नहीं आएंगे, पैसे भी वापस आएंगे कैसे आएंगे, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज यार चैनल पे मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे, बिकॉज मैंने वीडियो डालना बीच में बंद कर दिया था ड्यू टू सम हेल्थ इशू। तो नाउ वी आर बैक विथ आवर हेल्थ, और हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं शैडो अमाउंट होता क्या है। अब मान लो जैसे कि आपके साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो उसके बाद आपके अकाउंट में एक शैडो अमाउंट मार्क करेगा अगर आपने कंप्लेन कर दी है अपने बैंक में। तो अब जैसे 10,000 का स्कैम हुआ आपके साथ, तो आप बैंक जाओगे, आपने कंप्लेन कर दी, तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में शैडो मार्क कर देंगे। शैडो यानी कि शैडो मतलब परछाई। मान लो कि आपके अकाउंट में इतने पैसे थे जो अब नहीं है, ओनली उसकी परछाई है, शैडो है, ठीक है। अब शैडो अमाउंट आप विड्रॉल कब कर सकते हो? अब देखो जैसे कि वो पैसे रिकवर हो जाएंगे, साइबर क्राइम या बैंक आपकी रिकवर कर लेती है वो पैसे, तो आप वो अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसी में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देन बात करते हैं क्या स्कैम होने के बाद हमें और पैसे दे के, अगर कहते हैं वो कि आप 1,000 रुपये और डालो, आपके जितने पैसे हैं वो हम सारे रिटर्न दे देंगे विथ बेनिफिट प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किया है उन ऐपों से, टेलीग्राम पेज से, किसी से भी। तो बिल्कुल ऐसा मत करना, वो एक भी रुपये नहीं देने वाले आपको। जितना पे आपको लगता है कि इतना मेरा डूब चुका है, वो डूब चुका है, आप छोड़ो, साइड हो जाओ, पर रहे हो जाओ, और अपना कहीं और से सोचो निकालने की, अच्छे से कहीं और वर्क करके निकालो। ये जो जस्ट 10 मिनट के टास्क, 5 मिनट के टास्क में आपको अमीर नहीं बना सकते कभी भी, तो इनसे दूर रहो, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं SOP फॉर्म। देखो यार SOP फॉर्म की मेरे चैनल पर 2 वीडियोस पड़ी हुई है, दोनों में ही मैंने बताया हुआ है, दोनों 4-4 5-5 मिनट की वीडियो, कैसे फॉर्म फिल आउट करना है। और SOP फॉर्म यार उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो यार एक क्लिक में। मैंने कौन से वेबसाइट पे भेजना, तुम टेलीग्राम पेज पे जाओगे वहाँ से लिंक मिलेगा, PDF डाउनलोड करो, फिल आउट करो, बैंक में जमा करो। अब बैंक में SOP फॉर्म जमा बिना किए कुछ काम नहीं होने वाला, तो बैंक में जाओ, SOP फॉर्म जमा करो। और सुनो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इन तीनों चीज़ों के बारे में, एंड देन अगली वीडियो में आपके इस वीडियो पे जितने भी कमेंट आएंगे उनको पिक करके मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून, और नीचे अपने जो भी क्वेरी है उसको पिन डाउन कर दो, मैं उस पर ही अगली वीडियो बनाऊंगा, और अगली वीडियो में भी हो सके कल भी आ सकती है या परसों भी आ सकती है।